हाँ जी तो भाई असलकुम ये भाई आए हैं पाकिस्तान से विज़िट वीज़े पे विज़ दुबई में तो इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं एयरपोर्ट के बारे में और वीज़े के बारे में हाँ जी भाई कहाँ से हैं आप सबसे पहले तो अलमकूम मैं पाकिस्तान से आया हूँ चपाल से किस एयरपोर्ट से हैं आप मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर टिकट कितने का मिला आपको टिकट का तो मुझे कन्फर्म नहीं है वो तो यहाँ पे कोई रिलेटिव होते हैं उन्होंने भेजा था ट का मुझे आइडिया है वो हुई थी तकरीबन एक लाख एक हज़ार की हाँ, मतलब आप... तो हाँ, तो कि किसके पास जा रहे हो क्यों जा रहे हो क्या काम है तो टाइम ये होता है कि वो चेक भी करते हैं कि, कि किसके पास जा रहे हो उसका नंबर वो होता है ना वो दिखाएं है तो वो भी उन्होंने चेक किया अच्छा था आप किस रिलेटिव के पास जा रहे हो हाँ उधर उन्होंने इस्लामाबाद में पूछा था क्या पूछा क्या बताया आपने मैंने बताया कि कज़न होता है वैसे कौन सा कज़न होता है इस तरह तो बहुत से कज़न है फिर मैंने बताया कि मेरे ताया का बेटा होता है तो वो क्या करता है तो उसके अलावा उन्होंने शो मनी का पूछा था ये है मैंने बताया जी है तो बस यही प्रोसीजर हुआ था बाकी उनको ये क्या बताया कि मैं घूमने जा रहा हूँ मैंने बताया था विजिट पर जा रहा हूँ तो बाकी उन्होंने कहा किसके पास जा रहे हो वो होटल बुकिंग मैंने कहा वो कज़न होता है कहते हैं कज़न क्या लगता है तुम्हारा इस तरह तो मैंने क्या ताया का बेटा है अच्छा चलो ठीक है बस वो भी वो जो एफ आई ए काउंटर पर वो बंदा नहीं बैठा होता उसने पूछा मतलब उसने आपसे सारी इंफॉर्मेशन ली के आप होटल जा रहे हो कहाँ जा रहे हो हाँ अच्छा विजिट वीज़ा कितने में लगा आपका विजिट अब वो तो मुझे कन्फर्म नहीं है मैंने आपको बताया कि यहाँ पर वही कज़न होता है तो उन्होंने लगाया था दोस्ती सर जब अगर एग्जाम्पल है इधर आपको अभी वीज़ा वीज़ा एक्सटेंड करवाना पड़ेगा अगर आपकी जॉब हो भी जाती है हाँ अभी जैसे पता है मेरी जॉब हो गई है शुक्र अल्लाह तो जॉब हो गई है तो अभी मेरी डिग्रीज अटेस्टेड नहीं थी ना तो कंपनी वाले डिग्रीज़ मांग रहे हैं कि अटेस्टेड हो उनकी रिक्वायरमेंट है तो अभी वो मेरी हो गई है तकरीबन प्रोसेस सारा कंप्लीट हो गया है मुझे साशा जो है साशा इंटरनेशनल वहाँ से मिल जाएगी मंडे ट्यूजडे को तो उसके बाद वो इधर आ जाएंगी तो फिर उसके बाद ये कह रहे हैं वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे मतलब डिग्री पर कौन कौन चाहिए होती है यहाँ पे यू उसमें सबसे पहले एच ई सी की चाहिए होती है जो सबसे आपकी अपडेटेड डिग्री होती है लाइक अगर आपने मास्टर्स किया हुआ तो फिर मास्टर की चाहिए होगी अगर आपने बैचलर्स किया है बचलर की चाहिए होगी इसी तरह तो सबसे पहले आपकी एच ई सी से रिक्वायरमेंट होती है उससे एच ई सी से रेस्ट्रेशन करवानी होती है एच एच सी के बाद आपकी होती है मुफा से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से उसके बाद आपकी होती है साशा इंटरनेशनल से जो आपकी वो यू एम्बेसी से करवाते हैं कितना खर्चा आता है अगर पाकिस्तान से करवाएं तो यहाँ बैठ के करवाए पाकिस्तान से क्या खर्चा अभी मैंने जो एच की फ़ीस थी मेरी अर्जेंट डिग्री थी तो उसमें मेरी तकरीबन लगी हैं इकतालीस सौ चार हजार एक सौ अर्जेंट और मुफा में तो वो नॉर्मल डेढ़ सौ दो सौ के टिकट्स मिलते हैं है। तो उसमें तो वो ही था ठीक है। और जो दूसरा है, है। हाँ का, वो डॉलर में उनकी रिक्वायरमेंट होती है इकतालीस डॉलर उन्होंने मांगे थे मतलब कितने बन गए पाकिस्तान इकतालीस तो तो डॉलर कितने बनते हैं आप आप खुद चेक कर लें दो ढाई हजार तीन हज़ार नहीं दस डॉलर बन जाते हैं बाईस नहीं 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 ये तो बहुत ऊपर चला जाता है दस ग्यारह हज़ार से भी ऊपर ही जाता है हाँ इतना बनता है थीज़े, थीज़े, थीज़े। अच्छा, मतलब जो यहाँ पे बंदा आ रहा है उसकी उसकी डिग्री पे मोफा की स्टैंप होनी चाहिए यू ए की स्टैंप हो ठीक है हाँ तो सबसे पहले एच उसके बाद मोफा मोफा के बाद

जिससे क्योंकि यहाँ पे आप वो देखें तो ओवरऑल पूरी दुनिया से ना लोग बैठे हुए हैं तो वो जो है सारे अपने अपने स्किल्स उनके पास स्किल्स हैं हर एक के पास अपना अपना इस तरह का हूनर है तो अगर हम ये है कि बिल्कुल फ्रेश यहाँ पे आ जाएंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा वो हमसे पूछेंगे काम के मतलब पूछेंगे पूछेंगे आपको क्या आता था तो हम उन्हें क्या बताए बेहतर यही है कि आप पाकिस्तान में दो साल एक साल चार साल लगाएं कुछ हूनर ने कोई स्किल्स दे के तो यहाँ पर आके तो अगर आपके नसीब में होगा तो आपको मिल जाएगा विदाउट स्किल नहीं वाउट स्किल्स कोई ना कोई आपके पास हुनर होनर हो आपको जवाब मिलेगी ज़रूर अच्छा एयरपोर्ट पे का अब से कोई मसला मसला यहाँ पे यू है ही में नहीं नहीं कुछ भी नहीं क्योंकि आप मैंने आपको बताया मेरा यहाँ पे फर्स्ट टाइम था ना तो बस ऐसे ही उतरा हूँ वो क्योंकि वहाँ पर तो टर्मिनल होता है दुबई एयरपोर्ट पे वहाँ पे साथ ही आया तो एक बस खड़ी थी उसमें वो ट्राम वगैरह होती है क्या थी उससे लेके दूसरी जगह पे आया तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन थी रास्ते वगैरह का मुझे नहीं पता था तो वहाँ पे वो जो गाइड करता है बंदा मैंने उससे पूछ पूछने बताया वहाँ से मैं जैसे ही आगे मेरा बैग वो उस पर ट्रॉली पे था वो मैंने लिया तो आगे बस मेरे वो कजन और मामू वगैरह आए थे मामा जैक वो कह रहे थे कि शो वो शो में नहीं बोरा था उन्होंने कुछ भी नहीं पूछी बस एक उन्होंने वो स्कैनर जो आई टेस्ट लेते हैं क्या बस वो ही किया है उसके अलावा कुछ भी नहीं हाँ पासपोर्ट स्टैम्प करते हैं ना उसके अलावा एक वो सिम दे रहे थे

तो उसके बाद साइंस स्टैम्प की है मतलब स्टैम्प वगैरह करते हैं तो उसी में उसने साथ सिम डाल के दे दी है मैंने भी हाँ सुनीत सिम तो मैंने तो मुझे तो नहीं पता था तो मैं जब इधर रूम में आया हूँ चेक कराया तो कहते हैं ये विजिटर सिम है तो उसमें एक जी फ्री होता है तो उसके बाद उसे आप रजिस्टर करवा सकते हैं मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप अगर बात सिम नहीं लेते अगर तो आप बाइक कहीं से लोगे तो कम से कम आपको फिफ्टी दर्ज की सिम कास्ट पड़ेगी तो आप एयरपोर्ट से अपनी सिम लेकर आए फ्री की जो आपको फ्री सिम मिल रही है तीन मंथ की हाँ उस, उससे पहले मतलब ये है कि आप जैसे ही आपके बनेंगे आप उसे रजिस्टर करवा सकते हैं अच्छा यू ही क्या आपको चार्जेज आए बेड स्पेस तो पहले तो मैंने बताया वो, वो मैं उसी कज़न के पास था उसके बाद जब मेरी जॉब हुई है यहाँ पे शारजा में तो मैं इधर शिफ्ट हूँ तो साढ़े पाँच सौ था एक रूम का उसी में उस सारे चार्जेस वगैरह इंटरनेट चार्जेस मतलब जो भी चार्जेस होते सारे उसी में ऐड थे मतलब इंटरनेट हो गया किचन हो गया हाँ वॉशरूम पानी वगैरह का वही बिजली मतलब जितने भी है उसी में साढ़े सा में सारा कवर हो गया और आपको पाकिस्तान और अब चेंज तो ज़ारी सी बात है यहाँ पे बंदा एक आता है फर्स्ट टाइम जिसके चलो जो पुराना है वो तो पुराना है जो फर्स्ट टाइम आ रहा है उसके लिए तो सारा ही सीनारियों चेंज होता है क्योंकि एक अपनी फैमिली से दूर आना बाहर आना तो पहले तो थोड़े से आपको जहरी सी बात है मुश्किल होती है

उसको यू वही आना चाहिए ज़्यादा पैसा मैं वही बात कह रहा हूँ ना वही बात कह रहा हूँ कि अब जिस तरह के पाकिस्तान के हालात है तकरीबन साढ़े तीन सौ पे तो फ्यूल चला ही है बिल्स वगैरह हैं सारी चीज़ें हैं अगर उसका उसमें सिक्सटी एटी थाउजेंड में मैनेज हो रहा है उसमें उसे कुछ बच रहा है कि जी चलो जिस टाइम उसे कुछ ज़रूरत पड़ेगी वो वहाँ से निकाल के यूज़ कर सकते हैं तो फिर तो ये कि उसे उधर ही रहना चाहिए ठीक है हाँ अगर बिल्कुल ही वो हैं टू मौत हुआ है एक हाथ से आ रहे हैं दूसरे से जा रहे हैं तो फिर ये क्या यहाँ पर आ कर अपनी ट्राई लाख का आजमाए ट्राई करें यहाँ पर मिल गई तो और अच्छा है तो ये है कि यहाँ पे आप जॉब करेंगे तो कुछ साथ साथ सेविंग्स होती रहेंगी तो उसके बाद फिर बाकी आपकी अपनी किस्मत है तो आप इस जॉब पे कैसे आए आपको तो कैसे मिली जॉब मैं बेसिकली इस जॉब में आया हूँ मेरा पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है तकरीबन दो साल का ठीक है। पाकिस्तान का मेरे पास साढ़े तीन साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे मुझे करंटली जॉब मिली है ये पाकिस्तान का मुझे दो दो साल का एक्सपीरियंस है तो वो आया हूँ मैंने तकरीबन तीन इंटरव्यू दिए थे तो यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी ऑफर मिली थी सैलरी मतलब वो भी बता रहे थे लेकिन सैलरी कम थी तो बस फिर यहाँ पे आ गया क्या अभी क्या है इधर अभी अल्लाह का शुक्र है ठीक है अच्छी है तो रेफरेंस इस तरह का नहीं है बस यहाँ पे जो मेरे पाकिस्तान में जॉब कर रहा था वहाँ पे मेरे कुलीग थे तो उन्होंने कहा था वहाँ पे जाना वहाँ पे जाके मेरा एक बंदा है उससे कहना उन्होंने मैंने कॉन्टेक्ट किया तो उन्होंने कहा था यार दो चार जगह मैं बताता हूँ यहाँ पे जाके सीवीज़ दे दो कॉल आई इंटरव्यू दे देना दे वो मैंने तीन चार जगह पे सीवी दो तीन जगह दुबई में दी थी एक दो जगह इधर ऑनलाइन अप्लाई किया था तो फिर मुझे कॉल आ गई थी तकरीबन दो तीन दिन मुसलसल मेरे इंटरव्यूज़ हुए हैं तो ये कि सबसे मतलब उन्होंने बाकी जगह पर सैलरीज कम थी यहाँ पर सैलरी मुझे ठीक ऑफर हुई थी उसी वजह से फिर मैं यहाँ पर आ गया कैसी है आपकी जॉब टॉप जॉब है क्या है किस टाइप के नहीं नहीं सेल्स नहीं है बेसिकली हमारी है समझ लेंगे टेली कॉलर ही है किस तो हाँ कलेक्शन की जवाब तो है तो यहाँ पे यह है कि पाकिस्तान में सारा सिस्टम चेंज है यहाँ पे आके सारा सिस्टम चेंज है क्योंकि यहाँ पे आपको हर नेशनैलिटी का बंदा मिलेगा आपका वर्किंग इन्वायरमेंट जो है सारा सारे चीज़ें चेंज हो जाती हैं तो पहले पहले तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है हर बंदे के साथ एडजस्ट करना सारी चीज़ें होती हैं तो फिर ये कि जैसे जैसे आपका टाइम गुजरेगा ऐसा आहिस्ता मेहनत करें इन शह बेहतर करेगा सेटिंग वही रहती है जी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपनी बातें बताई हमें बहुत शुक्रिया इन तीन लोगों को भी समझ आएंगे जो आपने बातें बताई हैं ठीक है भाई शुक्रिया